कर लिए हैं और ये लीजिए आप भी खाइए। सब हेल्दी होते हैं पर मैं नहीं खा पाती हूँ, पता नहीं होता है ना कि मन नहीं करता फ्रूट्स खाने का, इसलिए मुझे जंक फूड ज्यादा पसंद है, तभी मैं शायद ये हेल्थ का राज है मेरी लेकिन ये बोलते हैं खाने चाहिए तो इसीलिए मैं ये खा रही हूँ। इडली भी खा रही हूँ क्योंकि मीठे हैं, अमरूद भी। तो चलिए मैं खाते खाते करती हूँ काम फटाक से। अभी मैंने अपनी अलमीरा लगा दी है क्योंकि जितनी अलमीरा लगाओ उतनी बिखर जाती है। तो चलिए मुझे ठंडा सा भी लग रहा है, मैं ठंडा सा भी लग रहा है, आज ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। तो लीजिए मैं कैप पहन ही लेती हूँ, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। इतना ठंडा मौसम ना हिल स्टेशन में ही हो सकता है अच्छे से, जहां बर्फ पड़ रही है तो यहाँ तो बर्फ में जाने का कोई सवाल ही नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इतनी बर्फ पड़ रही है तो इस वजह से। और मैं सोची हूँ गर्मी के कपड़े ना बच्चों के रख देती हूँ क्योंकि अब गर्मियों के पहनने वाले तो जाने ये है नहीं, अलमीरा में जगह ही हिर रहे हैं, तो वो ही मैं वहां रख दूंगी, उन्हीं को मैं समेट रही हूँ कि मैंने कहा चलो पहले इनको रखती हूँ, थोड़ी अलमीरा में जगह हो जाएगी। तो बाकी के टॉप्स वगैरह हैं, ये मिडी वगैरह है, तो ये अब तो पहने जाने के नहीं है बिल्कुल भी, ये उसमें गर्मियों में ही पहने जाएंगे, तो इनको उठा के रख दूंगी मैं। और अभी कुछ ऐसा है भी नहीं फंक्शन वगैरह कि कहीं पहन के जाने हैं, अलमीरा लगाते रहो तो बेटर है, अदरवाइज इतनी बुरी हालत हो जाती है ना अलमीरा की, बार बार बच्चे ना बहुत जल्दी बिगाड़ देते हैं। तो मतलब मुझे इतनी ठंड में, जो आप लोग जानते हो मैं ना मतलब पंखा चला के अब तक सोती रही हूँ, तो मुझे इतनी गर्मी लगती है, लेकिन जब मुझे इतनी ठंड लग रही है ना, बस मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आपने सो देख ही लिया होगा मैंने जो कैप पहनी है, तो समझ लो ठंड आ गई है, बुरी तरह से आ गई है, जो अब तक नहीं थी और एकदम से आ गई है। और बहुत मीठे संतरे आ रहे हैं, आप भी जरूर खाना लेके आओ फटाफट से और खाओ, वरना खट्टे वाले आने से स्टार्ट हो जाएंगे, फिर खा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो गर्मी के कपड़े अगर रखे रहेंगे ना, पाकी ना उन्हीं को पहनती रहती है, ये नहीं जब तक मैं हटाऊंगी नहीं जब तक वो मानेगी नहीं। चलिए तो फिर मैं अलमारी लगा लेती हूँ। मस्तानी हजारों इन आंखों की मस्ती में। आप सोचते होंगे मैं ये स्वेटर में यही पहने रखती हूँ क्या, और कोई स्वेटर नहीं मेरे पास। एक्चुअली क्या है, मैं ना सारे गंदे नहीं करती हूँ स्वेटर, जो मैं घर में काम में यूज करती हूँ मैं वही वाला स्वेटर पहनती हूँ, अदरवाइज तो मैं नए वैसे स्वेटर में बाहर जाती हूँ तभी चेंज करती हूँ, क्योंकि ये कि घर रूटीन में ही ना वो स्वेटर फिर खाने वाने में सारे, एक तो मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ ऊपर करती रहती हूँ ऐसे, तो ये चीज लूज हो जाती है, तो इसलिए मैं एक स्वेटर ही मैं ज्यादातर एक धुल मतलब दो रखती हूँ, एक धुलने के बाद फिर दूसरा वाला ऐसे यूज करती हूँ घर में। ज्यादा स्वेटर मुझे गंदे करने की आदत नहीं है कि मैं सारे गंदे करूं। मुझे इधर से फोन हटाना पड़ेगा क्योंकि इधर से कपड़े लगाने ना भवरे ने खिलाया फूल फूल तो ले गया राज कुंवर। भवराज कहता मुझे गाने आते नहीं है, बस ऐसी गुनगुनाती ऐसी बस टाइम पास करती हूँ मैं। Thank you.
मैं अभी कंप्लीट किया है, मैंने सारे अलमीरा सब मैंने कबर्ड्स लगा दी है। और ये देखो मैंने ठंड के मौसम में क्या यहाँ पे कुल्लू मनाली बना रखा है। ये देखो फैन चल रहा है पूरा अच्छे से। पता किस लिए किया मैंने फैन? ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने गाजर मूली मैंने कट करके रखी थी, और ये इसका मुझे अचार बनाना था, क्योंकि ये ना धूप नहीं निकल रही बिल्कुल भी, और इस वजह से मैंने कहा इससे ना पंखे से सूख जाएगा इसका जितना भी पानी है, इस वजह से इसी वजह से मैंने ये गाजर और मूली पंखा चला दिया उस कमरे में और लगा उसको रख दिया है ताकि उसका पानी सूख जाए। और पता है क्या हो गया, मैंने इस सीजन में अचार नहीं डाला बिल्कुल भी, क्योंकि वो जो मैंने डाली थी वीडियो लास्ट ईयर की थी वो डल नहीं पाई थी, इसलिए डाल दिया था। तो मैंने कहा यार सीजन ऐसे चला जाएगा, एक तो सब्जियां इतनी महंगी हो रही है कुछ कह नहीं सकते, इतनी महंगी सब्जी हो रही है आदमी खाए क्या, और मतलब समझ नहीं आया क्या, मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है और इतनी कमाने के जरिए कम होते जा रहे हैं, इतना मतलब नहीं है, क्योंकि कहीं कंपनियां बंद हो रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब ये सब चीजें चल रही हैं। तो वही चीजें, और महंगाई में कभी कटौती नहीं हो रही, महंगाई हमेशा बढ़ती जा रही है, सब्जियों के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए, मतलब आदमी खाए क्या, मतलब निकालना मुश्किल हो जा रहा है, ये चीज हो रही है। दूध क्या पैकेट के दूध के 3 रुपए सीधे बढ़ा दिए हैं, बताओ बच्चे को सिर्फ दूध पिला सकते हैं तो मजबूरी में आदमी करेगा क्या, वो सब करना पड़ेगा। महंगाई ने सबको मार डाला है इस टाइम पे, सबका बजट डगमगा गया है इस टाइम पे, ये तो है सच में। प्याज बाप रे बाप 100 रुपए किलो, कहाँ इससे अच्छा तो बेटर है कि सेब ही खा ले सास इसके बदले, प्याज के बदले। लेकिन कहते ना जिसका अपने में मजा है वो अलग ही बात होती है, तो वो ये प्याज की जगह में प्याज ही खानी है, सेब की जगह सेब ही खाना है, तो वही चीज हो जाती है। तो प्याज तो हमारी मजबूरी होगी है, जो प्याज नहीं खाते उनके लिए अच्छी अच्छी बात होगी, क्योंकि उन्हें कोई खरीदना नहीं पड़ेगा इसलिए। और जो प्याज के बगैर नहीं रह सकते, जैसे हम जैसे कच्ची प्याज भी खाते हैं सैलड में, तो हम लोग नहीं रह सकते, हमें जरा महंगाई की दर कुछ ज्यादा पड़ी है। और इस पता नहीं इस बार कुछ लंबा खिंच गया है बिल्कुल भी, मतलब कम रेट होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी। वरना पहले जो टमाटर बहुत महंगा हुआ था ना, तो उस टाइम के लिए हुआ था, लेकिन फिर वो ठीक हो गया था, अपने उस पर आ गया। अब देखो कहाँ 20 रुपए किलो 15 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, कहाँ ये 100-100 पहुंच गया था टमाटर भी, लेकिन प्याज नहीं हो पा रही है। पता नहीं क्या पीछे से ऐसा हो रहा है या कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्या चल रहा है पता नहीं। और क्या बताऊं आपको, मतलब बुरा हाल हो रहा है। और दिल्ली में क्या न्यूज में देखा था कि बसें वसे जला दी हैं, बहुत चीजें हो गई हैं दिल्ली में, ये सब चीजें, तो बड़ा डर सा लग रहा है दिल्ली में जाने में। तो वहां पे जामिया मस्जिद उस साइड में कहीं बसें वसे जलाई हैं कुछ इस टाइप से, पारित तो कुछ हुआ है उसमें हुआ है। कल गए थे उस साइड में तो मुझे भी डर लग रहा था कि यार उधर बस बस जला दी है पता नहीं कैसे। और फिर बच्चों को भी डर लगता है ना, क्योंकि बच्चे जाते हैं तो मतलब दिल्ली से बच्चे आते हैं, तो मतलब उस चीज का रिस्क ही हो जाता है आने जाने वालों में, थोड़ा सा ये हो जाता है। तो बाहर आज तो मतलब कड़ाके की ठंड है बिल्कुल। अपने देखो मैं रजाई में बैठ गई हूँ, ये देखो रजाई में बैठ चुकी हूँ, लैपटॉप खोला हुआ है कि मैं चलो कुछ एडिट कर लूंगी। अब तक फ्रूट्स मुझसे खाए नहीं गए, फ्रूट्स भी ऐसे रखे हुए हैं, कितना मेरा मन भर जाता है, मैं सब फ्रूट्स नहीं खा जाते ज्यादा, थोड़ा अगर कोई आ जाता है ना तो मैं उनके साथ खा लेती हूँ, अगर अकेले से तो मैं बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ, ये हो जाता है। और मैं दूध भी नहीं पीती हूँ बिल्कुल भी, और लेकिन अभी पीछे ना डॉक्टर, मेरा जो घुटने का प्रॉब्लम हो गया था, डॉक्टर ने दूध कंपलसरी बताया था, मैंने जब तो बड़ा टेंशन हो गया, नहीं पीना है डेली पीना है, जब तो पिया मैंने लगातार, उसके बाद फिर से वही रूटीन आ गया, क्योंकि तो खाना लेट होता है हमारा, तो इस वजह से दूध लेने में थोड़ा सा मुझे भी वो हो जाता है कि अरे अभी तो खाना खाया, अभी कहाँ दूध लिया जाता है। कोई क्यों होता है ना खाना खाने के बाद तुरंत दूध पी लेते हैं, हमसे नहीं पिया जाता बिल्कुल भी ऐसा, तो ये हो जाता है। जिस दिन मेरा फास्ट रहता है ना उस दिन तो मैं दिन में पी लेती हूँ, अदरवाइज वैसे तो नहीं ले पाती, लेकिन अब सोच रही हूँ नहीं रूटीन बनाना पड़ेगा, बुढ़ापा आता जा रहा है, आगे आगे होगा क्या, खड़े भी नहीं हो पाएंगे। कहते हैं ना पहले के जमाने के जो होते थे ना बुजुर्ग, वो उनमें जान है अभी तक भी, वो मतलब पहले का प्योर माल खाते होते हैं, लेकिन आज के टाइम में मिलावट, हर चीज में मिलावट होती है, सब्जियों में मिलावट, दूध में मिलावट, जो भी खाओ उसमें मिलावट, तो क्या इंसान जिएगा। वो ये ना जितनी बढ़ती उम्र उतनी घट जाएगी। ये होता है, आप लोग बताना आपको मैं सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, या फ्रूट्स तो खैर खाने चाहिए तो सही बोल रही हूँ। हाँ ये जो जंक फूड्स वगैरह नहीं खाना चाहिए लिया है, लेकिन कभी मन नहीं मानता ना कि हाँ करता है, मेरा मन हो रहा है कि मैं मोमोज बनाऊं बच्चों के लिए, लेकिन ना मैं पत्ता गोभी अवॉइड करना चाहती हूँ। पत्ता गोभी मेरे घर में कम से कम कितने साल बताऊं मैं आपको, 9 साल से मेरे घर में पत्ता गोभी नहीं आई है, जब से वो बताया है ना कि वो कीड़ा निकल रहा है उसके पत्ता गोभी में और वो मरता नहीं है, दिमाग में चढ़ जाता है मुझे, अब से डर बैठ गया था कि नहीं पत्ता गोभी की सब्जी नहीं बनाऊंगी मैं अब से।
लेकिन जैसे मार्केट वगैरह जाते हैं तो वहां पे चाउमीन वगैरह सब मिलती है, हम खाते हैं, उनके अंदर सब में पत्ता गोभी होती है, हम कितना उनसे मना करते हैं लेकिन वो डालते ही हैं फिर भी, तो वहां अदरवाइज खा ली होगी हमने ऐसे बाहर की उसमें, लेकिन घर में मैं कभी सब्जी नहीं बनाई है ना कभी लाई है। लेकिन अब लगता है कि यार इतने साल हो गए यार, ऐसे मैं कब तक अवॉइड करती रहूंगी वही चीजें, सब चीजों में तो पत्ता गोभी डलती है, हर चीज में, तो मोमोज में तो पत्ता गोभी डलनी डलनी है, जो भी हम मोमोज में बनाओ या मंचूरियन बनाओ, वो भी मंचूरियन का भी काफी मन हो रहा है बनाने का, तो देखती हूँ जब भी टाइम लगे इन दोनों को मैं ट्राई जरूर करूंगी। एक बार मंचूरियन तो बनाया है मैंने, मोमोज नहीं बनाए घर में, तो आप लोग से जरूर शेयर करूंगी जब भी बनाऊंगी। और अभी तो फिलहाल चलिए तो मैं एडिट कर लेती हूँ, और मुझे फोन की भी जरूरत है, तो अभी मैं व्लॉग को यहीं पे अभी फिलहाल के लिए स्टॉप लगा लेती हूँ, और उसके बाद मिलूंगी आपसे। और अभी सुबह से बस यही काम हुआ है आज, ना मैंने कपड़े धुले हैं, कपड़े सब उधर पड़े हुए हैं उस बालकनी में, सारे कपड़े एकदम से लाइन से, क्योंकि सूखे ही नहीं कल जो कपड़े धुले थे, सब ऐसे गीले हो रखे हैं पूरे के पूरे। अब बाहर मौसम ऐसा नहीं कि मैंने डाल दूं ये सूख जाएंगे, धूप का तो कोई नामो निशान नहीं है बिल्कुल भी, तो अभी तो मैं बाहर नहीं डाली, मैं उस इधर वाली बालकनी में मैंने डाले हुए हैं, तो उधर की तरफ मैं कि चल थोड़े बहुत जैसे भी सूख जाएंगे, तो ये सीन है। और अब पता है ठंड में अकेले अंदर बैठ तो जाओ घर में, मर मन नहीं लगता बिल्कुल भी, मेरा तो स्पेशली बिल्कुल मन नहीं लगता अकेले अकेले घर में बैठने से, टीवी भी आदमी कितना देखेगा, तो यही हो जाता है, बस फोन पे बात करने लग जाती हूँ या फिर अपना काम करने लग जाती हूँ। अभी काम बस खत्म किया है, कबर्ड्स लगाने लगी, तो ये रूटीन मतलब चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और आज आप लोगों से इतनी बातें मैंने कर ली है ना, बहुत ज्यादा बातें कर ली इतना तो मैं कर नहीं पाती रोज रोज, बस ऐसी वॉइस डालती रहती हूँ या टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आज बच्चे घर पे नहीं है इस वजह से कर ली है, अदरवाइज वो होते ना तब भी नहीं कर पाती मैं इतनी बातें। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे, मैं अभी मैं एडिट कर लेती हूँ। ओके पढ़ने से दिमाग फिट नहीं होता, पढ़ने से दिमाग फिट नहीं होता क्या? होता है मम्मा, प्लीज जाने दो पहले पढ़ाई हो चुकी है, और जो की है मम्मा कब करी है? सुना है तो ऐसे सुना देंगे, सुना चल मुझे कितने चैप्टर आ रहे हैं पूरी बुक, क्या चैप्टर क्या तुमने लर्न क्या किया है फिर अभी तक? जो हाँ फेलनी में जब तक हुआ है वो सारे याद है, और जो भी दो करे वो याद है। चलो सुना फिर मुझे अभी। कार्तिक मम्मी देख ले फिर, देख लो फिर डैडी को बोलूंगी क्या? मैं बोल दूं, मैं भी डैडी को बोलूंगा, बोल दूं। ये से एक्स्ट्रा जो पढ़ाई रिक्शे पे ब्रेक रखो भाई, चलो रखो ऐसे 10 मिनट में आ जाना, बता रही हूँ साढ़े छह बजे आ, सॉरी साढ़े दे लो साढ़े बजे आ जाएगा। फोन कहाँ है? फोन कर, फोन किसको? उसे चिल्ला के थोड़ी बोलूंगा,
बना रही हूँ मेथी के पराठे आज, तो मैंने इसमें डाला है नमक, तो मैं सब चीज़ें इसी के अंदर डाल लेती हूँ, आटे में ही सब चीज़ में गूंथ लेती हूँ, अलग से नहीं डालती। तो मैंने इसमें नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, धनिया डाला है, थोड़ी सी अजवाइन भी डाली थी कि थोड़ा ठंड का मौसम है सही रहती है इस वजह से, और हींग डाली है और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था मैंने। ये सारा सब चीज़ें मैंने डाल दी थी इसके अंदर, और उसके बाद मैंने जो मेथी मैंने कट करके अच्छे से साफ़ करके धुल के अच्छे से उसको और रख दी थी ताकि उसका पानी निकल जाए, तो वो मैंने इसके अंदर सब डाला था। और उसके बाद क्योंकि हमारी मेथी ज़्यादा होती है तो उसको गूंथने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो हमें उसकी क्वांटिटी के हिसाब से हमें आटा लेना होता है, तो उसको सब मिला के और सब उसमें आटा गूंथते हैं। और ठंड में थोड़ा आटा होता है ना कि वो हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो गूंथने में प्रॉब्लम आती है। और ये मैंने अलग से इसको थोड़ा उसका लहसुन का, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था और उसको पीस के इसके अंदर डाला। इससे बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं, आप बना के ज़रूर देखना, बहुत टेस्टी लगता है। मैं कभी कभी सिंपल भी बनाते हैं, मैं पहले सिंपल भी बनाती थी, लेकिन जब से इस तरीके से बनाने लगी हूँ तो बहुत टेस्टी ये पराठे मुझे लगते हैं। इसका पेस्ट बना के इसमें डालना बहुत मतलब अच्छा ही टेस्ट आ जाता है एकदम से, वरना वो सिंपल सिंपल लगते थे। तो आप लोग ट्राई करना और बताना कि कैसे लगे आपको इस तरह से पराठे बनाए हुए। अगर आप लोग ऐसे ही बनाते हैं तो अलग बात है, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का, सबका मेथड अलग होता है हर चीज़ को बनाने का। तो जैसे मैंने यूज़ किया मुझे अच्छा लगा, ऐसे ही मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बस मैं आटा इस तरह से आटा सारा मैं जितना भी है ये आटा गूंथ लूँगी और इसको रख दूँगी, फिर उसके बाद मैं पराठे बनाऊँगी। ये देखो सारी इतनी सारी मेथी और जिसे आटे भी मुझे गूंथनी है, तो तभी अच्छा लगता है जब मेथी ज़्यादा हो आटा। तो चलिए फिर मैं आटा गूंथती हूँ। ये हल्दी मैं पिसा के रख लेती हूँ पूरी, जो चक्की से पिसाती हूँ तो मैं पूरी मंगवा लेती हूँ एक महीने की, और इसको फिर मैं तब यूज करती हूँ तो डालती रहती हूँ। ये घर की हल्दी होती है तो बहुत थोड़ी डली जाती है, तो मैं हमेशा ये पिसवा के रखती हूँ। धनिया मिर्च हल्दी सब मैं घर की पिसवाती हूँ, ये घर पे तो पिसी नहीं जाती मिक्सी में, तो इसमें वो उस पर जो वो होती है चक्की, वहां पे ये हल्दी वगैरह जो पीसते हैं वहां पिसवाने भेजती हूँ। तो घर की हल्दी एक किलो में पूरे साल भर की कर लेती हूँ एक साथ ही जब तक चलती है। तो देखो पूरे साल भर में मैंने गर्मियों में खरीदी तो जब तक तुम्हें आराम से चलेगी। ये अचार रेडी है, बस थोड़ी एक दिन के लिए रख दूंगी इसको क्योंकि ऑलरेडी इसमें तेल गर्म करके डाला है।
आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो मैंने आटा गुथा है, बोल रही हूँ कि आज पराठे बनेंगे मेथी के, पर अभी आलू की कुट कर रही है। ये आलू कट कर रही हूँ मैं सुबह के लिए। ये आपको मैंने दिखाई दी ना कि मैंने आल की सब्जी कट की है, ये हरी प्याज की सब्जी जो बोलते हैं हरी प्याज, ये सुबह को मुझे बनानी है तो उसके लिए मैं आलू काट के रख रही हूँ, क्योंकि सुबह को इतनी हिम्मत नहीं होती कि सुबह को सब्जी कट करके तुरंत बनाऊं, बहुत टाइम हो जाता है, बच्चे जल्दी जाते हैं तो इस वजह से, और फिर सब्जी काटने में टाइम लगता है, मेरे से तो नहीं हो पाता था जल्दी, तो इसलिए मैं रात को ही सब्जियां वगैरह कट करके रख देती हूँ ताकि सुबह को सिर्फ छोकनी रह जाती है तो फटाफट से हमारी बन जाती है, क्योंकि मैं हमेशा सारी सब्जियां सूखी जो होती है लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ तो उसमें टाइम लगता है, एक घंटा आराम से लग जाता है। मैं सिम गैस पे बनाती हूँ, तेज गैस पे नहीं, तो इसलिए इसमें टाइम भी लगता है, तो इसी वजह से तो मैं सब्जियां वगैरह सब रात को कट करके रख लेती हूँ। अब सोचोगे कि आलू कट करोगे तो लाल पड़ जाएंगे, मैं पानी में भिगो के रखती हूँ तो उससे लाल नहीं पड़ते हैं, तो सब्जी तो सुबह को ही वॉश करूंगी उससे, तो बाकी ये मैं भिगो के इसको रख देती हूँ। तो आज हर वैसे भी हर आज जो खाएंगे हम, आज बिल्कुल भी खाना मतलब सब्जी का बनाने का मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, और तो फिर मैंने मेथी के पराठे बनाए, धनिये की चटनी रखी हुई कल बनाई थी मैंने, और बस बटर रखा हुआ है और चाय बना लूंगी, बच्चे तो बटर से बड़े शौक से खाएंगे, तो आज मतलब सुबह को सोचते हम सुबह खाते हैं, हम लोग रात को खा रहे हैं, तो होता है ना कभी कभी सुबह को पता क्या होता है जल्दी जल्दी रहता है, सब लोग जाते हैं हस्बैंड लोग जाते हैं तो वो इतने मजे से पराठे नहीं खा पाते और जल्दी जल्दी खाते हैं बस ऐसी, और रात को बैठ के आराम से खा लेते हैं और तसल्ली से, और फिर घूम भी लेते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है, ऐसा कि नहीं कि डाइजेस्ट नहीं होता, हम घूम लेते हैं ना तो डाइजेस्ट हो जाता है, तो बस बच्चे गए खेलने के लिए नीचे, और आज ठंड बहुत ज्यादा है ही, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि भाई तभी देखो मैंने कैप वैप पहनी हुई है इस वजह से, और आप लोग बताए तो मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, बताते नहीं हो यार प्लीज मेरे भी करा दो ना, पूरे दिन तो 10,000 भी सब्सक्राइबर नहीं करा रहे हो मेरे, लाखों की तो बहुत दूर की बात है, कम से 10 तो कराओ यार, अभी इतने भी इतने स्लो स्लो चल रहे हैं, इतने स्लो स्लो चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं करो, कम से कम 10,000 के करीब तो मेरे सब्सक्राइबर कर दो, बढ़ा दो जल्दी जल्दी, जितने भी हम मुझे प्यार करने वाले सब है, सब मेरे बहन भाई जितने भी हैं सब लोग फटाक से, और जो मेरी ब्लॉग को पसंद करते हैं सब लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो और करवाओ फैमिली में, बहन भाई से, मम्मी पापा से, सबसे करवाओ, सबके फोन से कर दो फटाफट से सब्सक्राइब, और सब बेल बटन जरूर दबाना, नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप बेल बटन दबाओगे, उससे पहले नहीं आने वाला है, तो मैं इन आलू को ना इनको धुल के और इनको फिर मैं पानी भर के रख लूंगी इनमें, और आलू आजकल इतने खाए जा रहे हैं ना बस पूछो नहीं, क्योंकि आलू हो गए महंगे, बहुत ज्यादा महंगे हो गए, और हर सब्जी में आलू डल रहा है, हर सब्जी में आलू डल रहा है, तो इतने महंगे आलू हो चुके हैं तो आदमी खाए क्या बनाए क्या, गेट बंद कर देती हूँ क्योंकि मेरी आवाज ना बाहर तक जाती है और सब लोग सोचते हैं मैं अकेले में किससे बातें करती रहती हूँ, थोड़ा सा ये हो जाता है, तो चलिए अंदर ही चलते हैं फिर, बच्चे तो बाहर खेल रहे हैं, ठंडा हो रहा है मौसम, मैं भी सोच रही थी कुछ काम वाम कर लूं, सारा रजाई वजाई सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, देखो दिन में हम लेटे थे ना सब ऐसे ही डाल रखा है सब, अभी सब मिटती हूँ, दिन में हम लेटे थे ना ऐसे ही छोड़ गई, अब बच्चे सोए हुए थे तो मैंने फिर छेड़ा नहीं बिल्कुल भी, आजकल तो मोटी मोटी रजाइयों में काम चल रहा है, इतना ठंडा हो गया, खुली रहने दे दो क्योंकि बैठेंगे ना तो, एक तो चाहिए भी बैठने के लिए,
आप लोग भी बताइए, आपके वहां भी इतनी ठंड हो रही है क्या? आपकी सिटी में, आप सबकी सिटी में? हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, और पता है गांव वगैरह में तो बहुत ठंडा हो रहा है। गांव में कम से कम बंद तो है, गांव वगैरह में खुला होता है ना तो वहां बहुत ठंड लगती है। और देखो पाकी को मैंने कैप दी थी मेरे पहनने के लिए, और उसने पहनी भी नहीं है। मम्मी पूरी पैक हो रही है और बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, यही हो जाता है। और अभी कुल सात भी नहीं बजे हैं, और देखो किचन का काम मैं फिनिश करके आ गई हूँ। बस अब जब लोग आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, तभी मैं बनाऊंगी। और अभी तो मेरा फिलहाल काम हो चुका है, चार भी बना दिया मैंने, और सुबह के लिए तैयारी भी करके रख दी है। ये सब हो जाता है ना तो वो एक लगता है फ्री माइंड सा लगता है कि अरे चलो सब हो गया तो रिलैक्स होता है। अगर सुबह की तैयारी ना होना तो टेंशन होती है, अरे सुबह की तैयारी नहीं है, सुबह को उठना पड़ेगा, ये टेंशन हो जाती है। ठंड में तो उठना ही महाभारत है। अलार्म भर के सोती हूँ, दो तीन तीन अलार्म भरती हूँ, बंद करती रहती हूँ, लास्ट वाले पे उठती हूँ जाके। आप लोग भी ऐसे करते होंगे, कमेंट करके जरूर बताना, या मैं ही करती हूँ सिर्फ इस तरह से। ठंडा तो बस पूछो नहीं, बहुत ठंडा है। और बस और क्या बात करूं आप लोगों से, और आप बताना आपको कैसा लगता है मेरा ब्लॉग। जरूर जो भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ वो आप लोग ने कभी कोई सी बनाई नहीं बनाई, अब बनाई तो कैसी लगी, अच्छी लगी, बेकार लगी, जैसे भी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बस ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहना सब लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? और सबसे करा देना अपने फैमिली में सब लोग, क्योंकि आप लोग मेरी एक अब लोग फैमिली बन चुके हो। जो मतलब अपनी बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ डेली में, इसलिए रूटीन में। हाँ एक भी पास कमेंट आया था कि मैंने वो दिवाली ब्लॉग पे सफाई का डाला था ना, तो उस पर आया था कि और सफाई का डालो वीडियोस, तो अभी तो ये हो रहा है सफाई अभी प्रॉपर वे में नहीं हो रही है, ऐसे जैसे डीपली क्लीनिंग हो रही है। ठंडी तो नहीं हो रही है, हाथ पैर तो चल ही नहीं रहे। आज मैंने कबर्ड्स वगैरह लगाई है, बस ज्यादा सीन नहीं सूट किया, थोड़ा बहुत ही किया था, क्योंकि वही ना एक तो मैं फोन से रिकॉर्ड करती हूँ, किसी का कॉल आना होता है या कुछ भी होता है, मैं जैसे काम करती रहती हूँ, मैं सॉन्ग सुनती रहती हूँ, तो सब फोन पे ही होता है, तो मैं इसलिए ब्लॉग ना इसमें थोड़ा ये हो जाता है, उस टाइम बना नहीं पाती हूँ। अभी भी देखो मेरे को सॉन्ग चलाना था, मतलब माता रानी के चलाने थे, मैं शाम को चला देती हूँ, वो भी मैं इसी पे चलाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं ब्लॉग अब मैं कर रही हूँ तो वो नहीं चला पा रही हूँ, एक चीज कर पाती हूँ तो इसीलिए नहीं हो पाता वो चीज। तो जब मैं डीपली क्लीनिंग और करूंगी तो मैं उस टाइम पे तब मैं डालूंगी। वैसे तो मैं डालती ही रहती हूँ क्लीन कर दो, एक तो मैंने पिछले परसों वीडियो डाली थी तो पूरी क्लीनिंग की ही डाली थी क्या क्या सफाई से, मैं सोची सब कहते हो सफाई की डालती रहती है ये, तो ये हो जाता है। तो चलिए जैसे भी है, और आप लोग कैसे करते, ठंड में क्या क्या खा रहे हो, क्या क्या खूब गर्म गर्म चीजें खाई है आप लोग, मूंगफली, रबड़, गज्जक और तिल के लड्डू बनवाइए और गाजर का हलवा खाइए, यही तो टाइम है ये सब चीजें खाने का। अदरवाइज हम लोग तो वैसे पता क्या होता है, सर्दियों में फैट बहुत जल्दी बढ़ता है, यही कारण है, क्योंकि हम ठंड के मारे बैठे रहते रजाई में, खाते रहते हैं, बस यही सीन आज मेरे साथ हुआ है। सुबह से सवेरे काम तो हो गया था, लेकिन वही अकेली बैठी बोर होने लगी, फिर लगते मैं यार क्या खाऊं, मन कर रहा है कुछ खाने को, कुछ जो मैं फ्रूट्स नहीं खाती थी, मैं फ्रूट्स भी काट के बैठ गई तो ये होता है सर्दियों में लोग ज्यादा खाते हैं तो मन करते रहता है, डाइजेस्ट होता रहता है, सर्दियों में ये सीन होता है। तो कोई नहीं, खाइए, खूब खाइए, घूमे, और थोड़ा सा घूमे भी, ये नहीं कि बैठे रह जाए, में थोड़ा सा घूम के आइए, बाहर जाइए, ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगेगा। कल हम घूमने गए थे, इतना ठंडा ठंडा बाहर लगा घूमने, बहुत अच्छा लगा, दो चार चक्कर काट के हम लोग आ गए। ये होते उनके साथ घूम लेती हूँ, अकेले तो मैं नहीं जा पाती हूँ, बस ये होता है। चलिए ये ब्लॉग बहुत लंबा खिंच गया है, बहुत ही लंबा खिंच गया है, अब इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, फिर नेक्स्ट ब्लॉग से फिर आऊंगी, देन बाय।